नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपको स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूरिक एसिड को लेकर। यूरिक एसिड को लेकर एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शंस जिसको कहते हैं, ये है सिर्फ पेशेंट के अंदर नहीं है, बहुत सारे जनरल फिजिशियंस के अंदर भी है। साधारण इंसान समझते हैं कि कोई भी पैर का दर्द हो, कुछ हो, जोड़ का दर्द हो, इसके पीछे यूरिक एसिड का कारण बहुत ज़बरदस्त होगा। जानते सच्चाई क्या है? यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के एक बाय प्रोडक्ट है, जो यूरिन के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म के लिए तरीका होता है, किसी किसी को उस मेटाबॉलिज्म के प्रक्रिया में थोड़ा बहुत कमी होता है, और जिनमें ऐसे कमी है उनमें क्या होता है, इस यूरिक एसिड खून से शरीर के अंदर से जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स को जो झिल्ली है उसके अंदर जाकर जम जाते हैं, और उस झिल्ली के पर्दे में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स सेटल हो जाते हैं। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जॉइंट्स के झिल्ली में ऐसे चिपक जाते हैं, तब वहाँ पे इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं और उनको पेन होता है, जैसे लगता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, पक गया है, इस तरह का पेन। दिखा गया है कि शरीर के जितने जॉइंट्स हैं जहाँ पे झिल्ली है, ऐसे सारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का प्रकोप से पेन हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन जो इफेक्ट होता है जॉइंट्स में वो है अंगूठे में। जिनके बहुत सारे जॉइंट्स में इफेक्ट होता है, ये इतना कॉमन नहीं है, रेयर है। यूजुअली जिनको यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस हो, एबनॉर्मलिटी हो, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी हो, उन्हीं में ऐसा स्थिति पैदा हो सकता है। नहीं तो साधारण रूप में अगर ये देखे इस मॉडल में, ये वाला जो जोड़ है, अंगूठे का जोड़, इसी एरिया में यूरिक एसिड के कारण से पेन होता है, स्वेलिंग होता है और लालीपन आता है। हमारा एक धारणा है कि ब्लड टेस्ट करके अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है और कोई भी पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो यूरिक एसिड के कारण से हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच नहीं है। अगर यूरिक एसिड के कारण से कोई जॉइंट में पेन होगा, उसमें तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक है वहाँ पे लालीपन आना, सूजन होना और बहुत ज़्यादा दर्द होना, और उसे लगे कि वहाँ पे पक गया है, जख्म हो गया है, इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है। अगर इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है तो वो यूरिक एसिड के कारण से पेन नहीं हो रहा है। ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो कोई भी पेन यूरिक एसिड रिलेटेड है। अगर ये भी नहीं है, यूरिक एसिड रिलेटेड पेन है, तो उसमें ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा आएगा ही आएगा। बेसिकली बॉडी के एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो यूरिक एसिड को बॉडी फ्लूइड से बाहर निकल नहीं पाते हैं, और यूरिक एसिड के जो सारे सॉल्ट है वो अनडिजॉल्व क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है और टिश्यू में चिपक जाता है। यही है कारण यूरिक एसिड के दौरान जॉइंट पेन होने का। अगर आपका एरी में दर्द है, हील के पीछे दर्द है और कोई कहीं पे दर्द है, आपने ब्लड टेस्ट कर लिया और यूरिक एसिड ज़्यादा है, इसका मतलब नहीं है कि आपका यूरिक एसिड के दौरान पेन हो रहा है, और आपको यूरिक एसिड के लिए रेगुलर दवाई खाने का भी ज़रूरत नहीं है। जो यूरिक एसिड रिलेटेड दवाई है वो सिर्फ दोनों ही टाइम पे देना होता है, अगर एक्यूट गाउट हो उस टाइम पे, और नहीं तो जिसका रिनल फेलियर है, जिसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, क्रॉनिक डिजीज़ है और उनका यूरिक एसिड सही ढंग से बॉडी से बाहर निकल नहीं पा रहे, उन्हीं को
यूरिक एसिड की दवाई देने का ज़रूरत है, नहीं तो यूरिक एसिड की दवाई सिर्फ ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है इसी कारण से दवाई खाना है, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आशा रखता हूँ कि आज के मेरा ये वीडियो यूरिक एसिड रिलेटेड आपके जो मिसबिलीव है, जो शंका है, उसको काफ़ी हद तक दूर करने में सहायक होगा। और आगे से अगर आपको ऐसा कोई पेन होता है, ज़रूर कोई प्रॉपर डॉक्टर से जिनको अच्छे नॉलेज है उनसे सलाह कर लीजिए कि यूरिक एसिड रिलेटेड गाउट है कि नहीं है। अननेसेसरली लंबे समय तक यूरिक एसिड की दवाई नहीं खाना। अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।